हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अलीशा फ्रॉम टी डिवीजन हमने स्टार्ट किया था आई जे सो चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन आज हम पिछले लेक्चर में हमने डिलीवर किया था कि व्हाट डू मीन बाय द एक्चुअल टर्म ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूशन के बारे में पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था आज हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे सो मूविंग ऑन टू अ वेरी नेक्स्ट स्लाइड दैट इज देते, क्योंकि उसी का मूवमेंट तो होता, होता है किसी भी हायर कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन की और ठीक है ना आय या मोलिक्यूल का मूवमेंट होना कहा से कहां तर, कहीं जहां पर वो ज्यादा पाया जाता है वहां से कम की और ठीक है ना नेक्स्ट टर्म दैट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बोला था यहाँ पे मोस्टली सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है यहाँ पे किसका होता है सोल्वेंट का मूवमेंट होता है सोल्वेंट इज बेसिकली वॉटर ठीक है अगर हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं अगर हम कोई सा भी एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे पहले वाटर लेंगे हम मैक्सिमम अमाउंट पे और उसमें हम कोई ना कोई पर्टिकुलर सोल्यूट या तो जैसे मान लो मुझे बनाना है शुगर सोल्यूशन ठीक है मुझे कौन सा सोल्यूशन बनाना है शुगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन तो इसके लिए शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए मैं सॉल्वेंट क्या लूंगी वाटर सॉल्वेंट मेरा क्या होगा वाटर होगा मैक्सिमम अमाउट पे क्या प्रेजेंट होगा वाटर होगा और उस वाटर में सोल्यूट ऐड करूंगी सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे शुगर तभी तो जाके क्या बनेगा शुगर सोल्यूशन बनेगा मैंने पानी का अमाउंट ज़्यादा लिया उसमें है उसमें मैंने थोड़े बहुत शुगर ऐड कर दिए तो उसमें मैं क्या बोलूंगी सोल्यूशन बन जाता है अगर उसमें बहुत ही कम शुगर सोल्यूशन प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल सोल्यूट प्रेजेंट हो तो उसे डायल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे अगर बहुत ज़्यादा शुगर सोल्यूट प्रेजेंट है और सोलवेंट कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे ठीक है ना यहाँ पे सोल्यूट क्या लिया मैंने शुगर लिया यहां पे दो तीन क्या है सोल्यूट है जिसको मैंने क्या किय? किया किया शुगर ठीक है ना तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होता है यहाँ पे सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है वाटर का मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऐसा जहां पे

सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप का होता है एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसनट्रेटेड यहाँ पे देखो मैंने सॉल्यूट जो शुगर लिया है वो बहुत ही कम अमाउंट में लिया है लो अमाउंट में लिया है ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम क्या है वाटर मैक्सिमम क्या है वाटर सोल्यूट जो है जो शुगर है वो क्या है मिनिमम है ये मिनिमम है तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ डायल्यूट सोल्यूशन हुआ कौन सा सोल्यूशन हुआ ये डायल्यूट सोल्यूशन हुआ ठीक है जबकि मैं अगर एक और सोल्यूशन बनाऊ जिसमें मैंने पानी का लेवल कम रखा है और जो सोल्यूट है जो शुगर है वो बहुत ज्यादा रखा है ठीक है तो इस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगी कंसन ट्रेटेड सोल्यूशन यहां पे मिनिमम क्या है वाटर है सॉल्वेंट है और मैक्सिमम क्या है सोल्यूट है ठीक तो है तो वाटर का मूवमेंट लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड दैट इज फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो इसी को हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते ठीक है ना तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूशन में अगर डिफरेंस बताना हो बेचा तो क्या हम कैसे समझाएंगे डिफ्यूशन में किसका मूवमेंट होता है आयन्स या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ फायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जहाँ पे वो ज्यादा पाया जाता है वहां से कम की और जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं डिफ्यूशन बोलते हैं ऑस्मोसिस में यहाँ पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे सोल्यूशन में जो वाटर है जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट हो रहा है तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है अगेन वही हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की

टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज ऑसमोसिस ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करे एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर उसे हमें क्या बोलेंगे uh,

कौन कौन से सोल्यूशन बनते हैं ठीक है किसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है किसमें कम कंसेंट्रेशन होगा अगर मैंने एक सेल को एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाल दिया मान लो मैंने एक प्लांट सेल को तीन पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाल दिया तो उसमें क्या क्या असर दिखेगा वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ठीक है तो सबसे पहला है आइसोटोनिक सोल्यूशन सबसे पहला कौन सा है बच्चों आइसोटोनिक सोल्यूशन ओके तो आइसोटोनिक आइसो मीन्स इक्वल ओके आइसो मीन्स इक्वल वट डज इट मीन इक्वल तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें मान लो मैंने एक प्लांट सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया ठीक है किस में डाल दिया मैंने एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेल का जो कंसनट्रेशन है और सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन वेन द कंसनट्रेशन ऑफ आउटर सोल्यूशन इज इक्वल टू द सेल सैप सेल्स एप क्या होता है सेल्स एप याद करो क्या बोला था मैंने सेल्स एप बेसिकली क्या होता है प्लांट के अंदर जो वेक्योल उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेल एप बोलते हैं ठीक है ना तो सेल एप का कंसेंट्रेशन अगर सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन से मैच हो रहा है आउटर सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन इक्वल है तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसो मीनस इक्वल ओके ना वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ आउटर सोल्यूशन इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप या जो भी सेल का जो सेल का जो कंटेंट है जो वाटर है प्रोटोप्लाज्म है उसका कंसेंट्रेशन और बाहर के जो पाए जाने वाले सोल्यूशन के जो कंसेंट्रेशन अगर इक्वल हो तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे ठीक है ना नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है हाइपो हाइपो मतलब कम ठीक है ना यहाँ पे क्या हो रहा है आउटर सोल्यूशन आउटर सोल्यूशन में हाँ when the concentration of outer solution is less as compared to cell sap concentration इसे हम क्या बोलते हैं hypotonic solution जब outer solution का concentration ठीक है ना कम है as compared to uh, cell sap उसे हम क्या बोलते हैं hypotonic solution और hypotonic solution का मतलब क्या होता है when concentration of outer solution is higher than that of cell sap कंसेंट्रेशन दैट इज नोन एस हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखो हाइपोटोनिक पे क्या बोलता है कंसेंट्रेशन अगर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन बाहर कम हो एज कंपेयर टू अंदर ठीक है ना इसे हम क्या बोलते हैं

ठीक है ना सबसे पहला हम कौन सा सोल्यूशन पढ़ेंगे आईसो टोनिक। आईसो टोनिक में क्या बताया गया कि अंदर जो पाए जाने वाले का कंसेंट्रेशन है वो बाहर वाले जो सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन के क्या है बराबर है इक्वल है ठीक है तो मतलब जितना अमाउंट ऑफ पानी अंदर जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ पानी क्या हो जाएगा बाहर आएगा ठीक है ना कितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है क्योंकि कंसेंट्रेशन दोनों को क्या है बराबर है तो सेल की पर्टिकुलर शेप या साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल एज इट इज सेम रहेगा ठीक है ना आइसो मींस इक्वल राइट कि मतलब कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का जो हो आउटसाइड सॉल्यूशन का हो और सेल सैप का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है बराबर है जिसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ पानी बाहर जा रहा हो उतना ही अमाउंट ऑफ पानी क्या रहा है अंदर आ रहा है तो बराबर चल रहा है मान लो सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर जा रहा है ठीक है ना मान लो सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर जा रहा है उतना ही सिक्स मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करेंगे अंदर भी जाएंगे ठीक है ना तो कोई लॉस नहीं हो रहा ना कोई प्रॉफिट हो रहा है जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है तो कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा ना लॉस हो रहा है तो सब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसो मीनस इक्वल मतलब जब आउटर कंसेंट्रेशन का आउटर सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो सेल्स आपके कंसेंट्रेशन का बराबर हो इक्वल हो तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंटर करेंगे उतना ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है ना पर्टिकुलर सेल का लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है इक्वल हो रहा है जितना वाटर बाहर जा रहा है उतना ही वाटर अंदर आ तो तो ना तो ना सेल सेल के साइज चेंज होगा का शेप चेंज होगा और इन सेल को हम क्या बोलेंगे फ्लैसिड सेल इस पर्टिकुलर सेल का क्या बोलेंगे हम फ्लैसिड सेल क्यों बोलेंगे क्योंकि नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ सेल नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ सेल ना तो कोई पर्टिकुलर सेल का शेप चेंज हो रहा है ना ही साइज चेंज हो रहा है क्योंकि जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके पास था मान लो उसमें से छह मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर गया बट उतना ही छह मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या कर रहा है अंदर आ रहा है क्योंकि दोनों का कंसनट्रेशन क्या है इक्वल है इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन और जो सेल होगा जिसका कोई शेप चेंज नहीं होगा ना साइज चेंज होगा और उन सेल को हम क्या बोलेंगे फ्लैसेड सेल ये सेल कैसा होगा फ्लैसेड सेल होगा ओके okay ना यहां तक समझ में आ गया अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सा पढ़ा हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन नेक्स्ट विल बी टॉपिंग अबाउट अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में तो उसमें यह बताया गया कि आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन मतलब उसमें जो सोल्यूट है वो क्या है कम पाया जाता है क्या पाया जाता है कम पाया जाता है मतलब मैक्सिमम वाटर आउटर सोल्यूशन में सोल्यूट जो है वो कैसा होगा कम होगा मतलब सॉल्वेंट वाटर क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है ना जबकि अंदर सेल्स सैप का जो कंसेंट्रेशन है ये कम है वाटर क्या है कम है ठीक है ना तो जिसके वजह से देखो हमने जब बात किया पिछले साइड में सब लोग कंफ्यूज हो रेंगे आई नो दैट हाइपो में मैंने क्या बताया व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट ठीक है ना बाहर आउटर सॉल्यूशन की सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम है एज कंपेयर टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो सेल के अंदर पाया जाता है तो मतलब बाहर अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सॉल्वेंट क्या है ज्यादा है और अंदर सेल से के अंदर सोल्यूट ज्यादा है तो मतलब वॉटर क्या है कम है अब समझ में आ गया तो इस पर्टिकुलर सिनारी को हम क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन अब हम समझेंगे डायग्राम वाया ओके तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आउटर कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन क्या है कम है तो मतलब सोल्यूट कम है आउटर कंसेंट्रेशन के मतलब आउटर आउटर सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन कम है मतलब उसका सोल्यूट क्या है कम है मतलब सॉल्वेंट वाटर क्या है ज्यादा है जबकि के बारे में बात करें सेल्स एप ठीक है उस पर्टिकुलर सेल के सेल के बारे में बात करें मतलब उसके अंदर पानी क्या है कम है सोल्यूट क्या है ज्यादा है अब याद करो ऑस्मोसिस में हमने क्या बोला था कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन

क्या होगा बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होगा जिसके वजह से वाटर क्या होंगे सेल में भरना हो जाएगा आना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से कंसेंट्रेशन क्या है अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है लेस कंसंट्रेटेड राइट और सेल सैप सेल का जो कंटेंट है वाटर है वो क्या है मोर कंसंट्रेटेड तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा लेस कंसेंट्रेशन से मोर कंसेंट्रेशन की ओर, मतलब आउटर सॉल्यूशन से सेल सैप की ओर, मतलब पानी अंदर आने की कोशिश करेगा और जैसे ही पानी अंदर आने की कोशिश करेगा तो सेल क्या हो जाएगा फूल जाएगा क्योंकि पानी अंदर आता जा रहा है हाँ

आउटर सोल्यूशन है कम है और है और का ज़्यादा तो वाटर मॉलिक्यूल को मूवमेंट क्या होगा सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में फ्रॉम लो कंसेंट्रेटेड टू हाई कंसेंट्रेटेड आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कम है मतलब सोल्यूट कम है सोलवेंट क्या है ज्यादा है वॉटर ज्यादा है और सेल्स एप की कंसेंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसमें सल्यूट ज्यादा है वाटर कम है तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टू लो मतलब वाटर मूव करेंगे तूर्थ तूर्थ सेल, 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 सेल के अंदर जिसकी वजह से वाटर बढ़ने की वजह से वो सेल क्या हो जाएगा फूल जाएगा इट विल स्वेल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं टर्जिड सेल इस सेल को हम क्या बोलते हैं टर्जिड सेल मतलब सेल क्या हो रहा है स्वेल अप हो रहा है फूल रहा है और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे टर्जेड कंडीशन बोलेंगे सेल फूल रहा है पानी की वजह से स्वेल अप हो रहा है ठीक है ना तो ये कौन सा हुआ हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में और लास्ट हम पढ़ रहे हैं एक और सोल्यूशन के बारे में दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपर मतलब ज्यादा ठीक है हम बोलते हैं ना किसी भी काम नहीं तो हम हाइपर हो जाते हैं वो मैंने होमवर्क नहीं किया होमवर्क नहीं किया ऐसा क्या करेंगे मैम क्या करने वाली है हाइपर होना ज्यादा ओके okay? तो वो क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ज्यादा तो हम लिखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा था व्हेन दी आउटर कंसेंट्रेशन व्हेन दी कंसेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ सेल से आप यहाँ पे आउटर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है अब ज्यादा है मतलब बाहर वाली सोल्यूशन में सोल्यूट क्या है ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है कम है जबकि सेल्स एप में क्या हो गया

तो यहां पे मैंने क्या बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब यहां पे बाहर आउटर सॉल्यूशन, सॉरी तो आउटर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है ज्यादा हायर कंसेंट्रेशन, और जो सेल सैप है उसका क्या है लो कंसेंट्रेशन तो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में वॉटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट क्या होंगे फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मूवमेंट क्या होगा बाहर की ओर आउटर सोल्यूशन की ओर तो वॉटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बाहर ज्यादा मूव आउट करने की कोशिश करेंगे जिसके वजह से उनका जो पर्टिकुलर सेल है वाटर कंटेंट कम होता जा रहा है तो सेल स्वेल होगा या श्रिंक होगा वो तो पिचक जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो पानी पहले इतने अमाउंट पे पाया जा रहा था अब वो क्या हो गया बाहर चला गया जिसकी वजह से पानी का लेवल कम हो गया सेल के अंदर तो सेल क्या हो जाएंगे श्रिंक हो जाएंगे अब ये याद रखना प्लांट सेल ज्यादा श्रिंक नहीं होता क्योंकि सेल वॉल होने की वजह से सिर्फ इनके प्रोटोप्लाज्म क्या होता है श्रिंक होता है जो अंदर वाला कंटेंट है वही श्रिंक होगा बाकी एंटायर प्लांट सेल कभी भी श्रिंक नहीं होता क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है

तो वो काम मूव करेगा आउटर सोल्यूशन की और आउटर तो सोल्यूशन तो बाहर है तो वाटर जो मॉलिक्यूस के, के तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा मतलब बाहर निकलेगा जिसके वजह से वाटर कंटेंट सेल के अंदर कम हो गया तो उसके जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएंगे श्रिंक हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं प्लास्मोलाइसिस क्या बोलते हैं हम प्लास्मोलाइसिस I hope so, आपको इन तीनों के बारे में में डिफरेंस समझ आ गया बच्चों मैं एक और बात समझा देती हूँ आपको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है देखो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा ऑस्मोसिस में हमने क्या बोला कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ठीक है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ठीक है ऐसा मेम्ब्रेन जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता है एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन की ओर उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है membrane, अब ऑस्मोसिस क्या होता है मतलब वाटर मॉल जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होना जो वाटर है उसका मूवमेंट होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन

तो वाटर का मूवमेंट मतलब मतलब तो वाटर का मूवमेंट कहा होगा लो से कम की और लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की और इसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं तो उसके बेसिस पे हमने सोल्यूशन को तीन टाइप में क्लासीफाई किया ठीक है हमने देखा कि अगर मान लो मैंने एक सेल को आइसोटोनिक में रखा या हाइपोटोनिक में रखा तो हाइपोटोनिक में रखा तो सेल में क्या-क्या चेंज दिखाई दिया सबसे पहले अगर मैं तो बात करूँ आइसोटोनिक आइसोटोनिक मतलब इक्वल मतलब अगर मैंने सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो इसका मतलब क्या है कि वो सेल सॅप सेल के अंदर जो पानी का कंटेंट है वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है वाटर कंटेंट है उसका कंसंट्रेशन ठीक है और आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है इक्वल है आइसो मीन इक्वल मतलब आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन और सेल्फ इक्वल होने की वजह से जितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है तो सेल का शेप भी चेंज नहीं हुआ साइज भी चेंज नहीं हुआ क्यों क्योंकि जितना एंटर हो रहा है वाटर उतना ही लॉस हो रहा है ना तो उसका कोई लॉस हो रहा है ना उसका कोई प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा पानी भी नहीं आ रहा ना कम पानी जब ना कम, पानी का लेवल कम भी हो रहा है जितना पहला उतना ही है बाद में तो मतलब क्या हो गया ना सेल का शेप चेंज होगा ना साइज चेंज होगा तो इस उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सोल्यूशन यहाँ पे सेल का शेप और साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और उस सेल को हम क्या बोलते हैं हैं समझ में आया नेक्स्ट हमने बात किया हाइपो हाइपो मतलब कम ठीक है यहां पे आउटर सोल्यूशन जो आउटर सोल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन कम है लो कंसेंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम है सॉल्वेंट पानी क्या है ज्यादा है सोल्यूट कम है सॉल्वेंट क्या है ज्यादा है सॉल्वेंट क्या है ज्यादा सोल्यूट क्या है कम ठीक है सोल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है ठीक है ना outer, outer solution का कम कम है मतलब, solute कम है solvent है 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 मतलब मतलब ज़्यादा 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 और से आपका वॉटर क्या है कम है तो वॉटर का मूवमेंट से होगा लो से हाई की और ठीक है फ्रॉम लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन यही तो होता है वॉटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो वो पानी के वो आउटर सोल्यूशन में तो कम है लो कंसनट्रेटेड है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करके पे आएंगे सेल के अंदर आएंगे हायर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जहां पे पानी कम है हायर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट जाता है पानी कम है ठीक है ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो आउटर सोल्यूशन में ज्यादा पे पाया जाता है वहां से वो कहाँ पे, पे आएंगे सेल के अंदर आएंगे वाटर तो मॉलिक्यूल्स का ज्यादा अंदर आना जिसकी वजह से सेल में पानी का लेवल बढ़ गया है, तो सेल क्या होंगे जब आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ज्यादा है मतलब सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट पानी कम है और सेल सैप का कंसेंट्रेशन जो है सेल सैप का कंसेंट्रेशन कम है मतलब वाटर ज्यादा है

सेल वॉल होता है, जिसके वजह से वो एंटायरली होगा बट उसके अंदर जो कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म है, वो क्या होगा? श्रिंक होगा। श्रिंक और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं प्लास्मोलिसिस। so, आपको ये तीनों ठीक है नेक्स्ट है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर अब एक टर्म आया प्रेशर एंड वॉल प्रेशर ये देखो एक पर्टिकुलर डायग्राम है ये एक सेल को ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया है मैं अभी समझा दूंगी एक और बार ये सेल वॉल ठीक है इन्होंने क्या बताया कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर क्या है इट इज सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट अगेंस्ट अ सेल वॉल सेल के अंदर जो भी कंटेंट है ठीक है ना सेल सैप है सेल कंटेंट है वो जो प्रेशर एक्जर्ट करे सेल वॉल में उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर बोलते हैं द प्रेशर एक्जर्टेड बाय सेल कंटेंट इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना ये जो कंटेंट ठीक है ये जो कंटेंट जो सेल सैप जो सेल कंटेंट अगर कुछ प्रेशर एक्जर्ट करे सेल वॉल में ठीक है सेल वॉल में कुछ प्रेशर एक्सर्ट करे तो इससे हम क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों टर्गर प्रेशर जब सेल कंटेंट सेल वॉल में एक प्रेशर एक्सर्ट करे ठीक है एक प्रेशर एक्सर्ट करे ठीक है मान लो ये सेल वॉल है ठीक है एक सेल है ऐसा मान लो ये एक सेल है ठीक है ये सेल वॉल एक पर्टिकुलर सेल वॉल है इसके अंदर जो भी सेल का कंटेंट है जब वो प्रेशर एग्जर्ट करे ठीक है ना ऐसे प्रेशर एक्जर्ट करे सेल वॉल के अंदर ठीक है ना मतलब सेल वॉल के ऊपर अगर कोई सेल कंटेंट प्रेशर एक्सर्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर बोलते हैं प्रेशर बाय सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल ठीक है अगेंस्ट द सेल वॉल दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर अब वॉल प्रेशर क्या हो गया वॉल प्रेशर सिंपली मीन्स बैलेंस करने के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट प्रेशर भी लगता है ठीक है टर्गर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक इक्वल इक्वल प्रेशर ठीक है और ऑपोजिट साइड में एक और प्रेशर लगता है मतलब अब वॉल क्या करेगा वॉल भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल कंटेंट की ओर ये जो सेल वॉल है अब वो भी एक इक्वल प्रेशर सेल कंटेंट पे डालेगा उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं वॉल प्रेशर बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको वॉल प्रेशर इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर ऑफ टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर सिंपली क्या होता है सेल के अंदर जो सेल कंटेंट है जब वो कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल में जब सेल कंटेंट जो है वॉल में कुछ प्रेशर एक्सर्ट करे ठीक है ना सेल के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट अगर सेल वॉल में कुछ प्रेशर एक्जर्ट करे अपने वॉल में कुछ प्रेशर एक्जर्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर बोलते हैं तो उसी के इक्वल और ऑपोजिट इक्वल अमाउंट में और ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी क्या करता है उस पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म में भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं वॉल प्रेशर करते हैं और वॉल प्रेशर बोलते हैं ठीक है ना सो वॉल प्रेशर सिंपली मींस द टर्गर प्रेशर इज काउंटर बैलेंस एंड इक्वल ऑपोजिट प्रेशर दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर तो हम इतना तो बोल सकते हैं कि टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर क्या है इक्वल है टर्गर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं टीपी से और वॉल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू पी से ठीक है तो मतलब जितना टीपी लग रहा है जितना टर्गर प्रेशर लग रहा है उतना ही क्या है इक्वल अमाउंट पे वॉल प्रेशर भी लग रहा है तो डायरेक्शन क्या हो रहा है उस पर अगेंस्ट वॉल पे क्या कर रहा है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जबकि वॉल प्रेशर वो क्या करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में मान लो दो मान लो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ ठीक है ना ये पेन को प्रेशर मान लो ये पर्टिकुलर पेन का प्रेशर क्या है ये सेल कंटेंट है ये वॉल पे अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मतलब टर्गर प्रेशर है तो इतना ही इक्वल अमाउंट पे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी क्या करेगा प्रोटोप्लाज्म में एक प्रेशर एक्सटर्ट वॉल भी क्या करेगा प्रोटोप्लाजम एक प्रेशर एक्जर्ट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं वॉल प्रेशर बोलते हैं तो मतलब टीपी एंड डब्ल्यू पी आर इक्वल बट डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है ठीक है ना टीपी एंड डब्ल्यू पी आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर हेंस टीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पी T.P. T.P. of a flaccid flaccid cell cell is zero. Obviously, TP, flaccid cell zero Obviously, cells वही सेम आइसोटोनिक solution. फ्लैसिड सेल मतलब क्या है आइसोटोनिक solution? आइसोटोनिक solution ही ना हमने भी पढ़ा था आइसोटोनिक सोल्यूशन फ्लैसिड कंडीशन फ्लैसिड मतलब जितना अमाउंट ऑफ पानी अंदर जा ऑफ पानी, पानी, पानी क्या कर रहा है, एंटर हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है एग्जिट हो रहा है तो मतलब टीपी ऑफ फ्लैसिड सेल क्या होगा जीरो होगा कोई प्रेशर ही एग्जिट नहीं होगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर चेंजेस ही नहीं आ रहा ठीक है ना और इंक्रीज वैल्यू ऑफ टीपी टर्जिड सेल हाँ टीपी का वैल्यू बढ़ जाएगा जब वो कौन सा सेल होगा टर्जेट अब टर्जेट सेल याद करो कौन सा सेल है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक क्यों टीपी का वैल्यू बढ़ रहा है क्यों टीपी का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि वाटर अब क्या करेगा अंदर आने की कोशिश कर रहा है वाटर का लेवल पहले जो वाटर का लेवल था अब वो बढ़ चुका है क्योंकि सेल क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है क्योंकि आउटर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है कम है और अंदर क्या अंदर क्या है सॉरी अंदर क्या है ज्यादा है तो वाटर को मूव करेंगे सेल सेल के अंदर ठीक है इसलिए सेल क्या कर रहा है स्वेल हो रहा है तो वाटर कंटेंट क्या है बढ़ता जा रहा है जिसके वजह से टर्गो प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो उतना अमाउंट ऑफ तो सेल कंटेंट क्या करेगा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वॉल पे ठीक है तो इसको हम क्या value क्या बोलते हैं? में का हो हो जाएंगे? Increase हो जाएंगे। जबकि फ्लैसिड सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में टीपी का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा क्योंकि वहां पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है ठीक है ना सो टर्गप प्रेशर सिंपली मीन्स कि सेल के अंदर जो कंटेंट है जब वो एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करे वॉल में सेल वॉल में तो उसे हम क्या बोलते हैं टर्गअ प्रेशर बोलते हैं और टर्गअ प्रेशर के इतना ही इक्वल अमाउंट में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी क्या करता है प्रोटोप्लाजम में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं वॉल प्रेशर है डब्ल्यू पी क्या होता है इक्वल होता है बस डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है जितना अमाउंट ऑफ टर्गअ प्रेशर है उतना अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर लगता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है फ्लैसिड सेल टर्गर प्रेशर जीरो होता है क्यों होता है फ्लैसिड सेल मतलब आइसोटोनिक जब मैंने एक सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है जिसकी वजह से सेल का शेप और साइज चेंज नहीं होता तो उसमें टर्गअ प्रेशर क्या रहेगा जीरो रहेगा जबकि हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात करें टर्जिट सेल मतलब वो सेल क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है पहले जो वाटर कंटेंट था अब उसमें भी वाटर कंटेंट क्या बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेल स्वेल हो रहा है फूल रहा है फूल रहा है मतलब वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो इतना अमाउंट ऑफ सेल कंटेंट क्या करेगा वॉल पे वो पेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसलिए उसका टीपी का वैल्यू क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे ओके okay तो ये था टगर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर के बारे में अब इसका सिग्निफिकेंस क्या? क्या है इंपॉर्टेंस क्या है टगर प्रेशर या वॉल प्रेशर का फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंट शेप ऑफ द सेल सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए है ना टगर प्रेशर मतलब मैंने बोला जितना ही अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर लग रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो क्या करेंगे एक पर्टिकुलर शेप के cell को. Cell की को करने में ताकि वो ना स्ट्रक्चर ऑर्गनल की स्ट्रक्चर जो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे उसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल्स दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टमा कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटा वो सेम जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटा सिंपली मीन्स की जब वाटर अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है वही गार्ड सेल गार्ड सेल क्या करता है इट कंट्रोल्स कंट्रोल्स दी दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब गार्ड सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तब क्या हो जाएंगे स्टोमेटा विल मतलब स्टोमा विल ओपन ठीक है ना और जब पानी का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है तो स्टोमा क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे ठीक है तो टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर की कहानी है ओपन मतलब तो हो जाएगा, हो जाएगा और वाटर जैसे ही कम हो जाए, ना तो स्टोमा जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर एक तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी क्या करता है रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है ठीक है ना तो ये था टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट और यू कैन से सक्शन प्रेशर सक्शन प्रेशर नाम में ही मतलब है बेटा सक्शन प्रेशर सिंपली मीन्स सक ओके वाटर डिमांड ऑफ वाटर उस सेल को कितना पानी चाहिए है उस डिमांड ऑफ वाटर मतलब बोलते ना कि मुझे इतना डिमांड है मुझे इतना चाहिए ये चाहिए वो चाहिए तो मेरा डिमांड से

प्योर सॉल्वेंट इसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट या एक तरीके से आपको सिंपल वर्ड में समझाना है तो मैंने समझा दिया है मतलब एक पर्टिकुलर सेल का डिमांड क्या है वाटर के लिए ठीक है ना बोलते ना मेरा डिमांड है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मेरा डिमांड्स होते हैं ठीक है ना उसको फुलफिल करो वैसे एक पर्टिकुलर सेल का वाटर की और कितना परसेंट डिमांड है उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर ठीक है ना इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ऑफ वॉटर इन द सेल तो उसके फॉर्मूला है डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्ग प्रेशर ठीक है ना टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से टर्गर प्रेशर को निकालते हैं जो जितना अमाउंट में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट ओके ना तो इसको ढूंढ निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं पहला हम बात करेंगे इन अ फुल्ली टर्जिड सेल इन अ फुल्ली टर्जिड सेल अगेन टर्जिड तो ये सोल्यूशन कैसा है हाइपोटोनिक क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि हाइपोटोनिक क्या हो रहा है सेल सेल स्वेल स्वेल हो हो रहा है. हो रहा है है ठीक है ना स्वेल होने की वजह से अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है सेल में ठीक है तो टर्गर प्रेशर बराबर इन न फुल्ली टर्जेड सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्योंकि वो वॉटर स्वेलअप हो रहा है उसमें क्या वो क्या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आ, सेल क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है वाटर अंदर आता जा रहा है तो क्या उसको वाटर के डिमांड होंगे नहीं तर्जिड सेल मतलब सेल में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि वो सेल फूल चुका है सेल क्यों फूल चुका है क्योंकि उसमें पानी ज्यादा अमाउंट पे पाया जा रहा है तो क्या उसको डिमांड होगा कि मुझे ज्यादा की ज्यादा पानी चाहिए नहीं है उसके पास ऑलरेडी इतना पानी है वो फूला हुआ है अगर एक मोटे इंसान को कभी बोल सकते कि हाँ तुम्हें इसकी और रिक्वायरमेंट है ज्यादा खाना नहीं ना इसके पास ऑलरेडी इतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको और पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल क्या हो चुका है फूल चुका है स्वेल अप है तो उसमें प्रेशर डेफिसिट क्या होगा जीरो होगा उसको कोई डिमांड ही नहीं है वाटर का तो तो अगर -P, -P के बराबर हम मान रहे तो अगर फॉर्मुला में डाले डीपी डी टू ओपी माइनस टीपी ओपीसू टीपी तो हम ओपी को सॉरी टीपी को ओपी भी लिख सकते हैं तो माइनस इज इक्वल टू डी जीरो है zero है ठीक ना यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्व प्रेशर क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल में ऑलरेडी पानी इतना ज्यादा है क्योंकि वो सेल्स वेलप हो चुका है फूल चुका है उसमें ऑलरेडी वाटर का, का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इस पर्टिकुलर सेल को वाटर की डिमांड नहीं है उसको और पानी की जरूरत नहीं है तो उसका डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर क्या होगा जीरो होगा क्योंकि हमने डिफाइन किया कि सक्शन प्रेशर को इट इज डिमांड ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर सेल का वाटर के लिए कितना डिमांड है उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूशन आई मीन दिस वन डिफ्यूशन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर तो टर्जिट सेल में डीपीडी क्या होगा जीरो होगा हम बात करेंगे फ्लैसिड सेल फ्लैसिड आइसोटोनिक सोल्यूशन ये कौन सा है आइसोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा जितना अमाउंट ऑफ पानी अंदर आ रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ पानी क्या जा रहा है बाहर जा रहा है ठीक है यहाँ पे टर्गर प्रेशर जीरो मैंने तो हमने पिछले इसमें देखा देखा था कि, टर्गर प्रेशर में देखा था कि कि प्रेशर में टीपी ऑफ अ फ्लैसिड सेल क्या है जीरो है क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है तो वहां पर टर्गअ प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा टर्बर प्रेशर क्या होगा जीरो होगा तो एक्चुअली टर्गअ प्रेशर क्या है जीरो तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी टीपी क्या है जीरो फॉर्मूला में डाले डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस जीरो तो प्रेशर 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 डेफिसिट इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक जितना हम कैलकुलेट करेंगे जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या था जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट पाया जाता है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ठीक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतना ही क्या होगा इसका सक्शन प्रेशर होगा क्योंकि सोल्यूट अगर क्योंकि देखो यहाँ पे क्या फ्लैसिड सेल है बराबर है है ऑस्मोटिक जितना ऑफ ऑफ पानी पानी जा जा अंदर आ रहा उतना जा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू सक्शन प्रेशर और लास्ट प्लास्मोलाईस है प्लास्मोलाइज सेल प्लास्मोलाइज सेल मतलब यहाँ पे वाटर की कमी वाटर की कमी है जितना अमाउंट ऑफ पानी पहले था अब वो क्या हो चुका है बाहर मूव कर दे जिसकी वजह से सेल क्या हो गया श्रिंक हो गया पहले जितना अमाउंट ऑफ पानी पाया जाता था क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया तो वो पानी क्या हो गया बाहर मूव कर दिया लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर दिया जिसकी वजह से उनके अंदर पानी की कमी आ गई तो सबसे ज्यादा अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब क्या है कि इनको ज्यादा पानी की जरूरत है क्योंकि पहले जो पानी था वो जा, जा चुका है इट हैज गॉन आउट ऑफ द सेल

तो पी डी इज इक्वल टू ओपी प्लस पी टीपी जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में प्लस जितना अमाउंट ऑफ सेल कंटेंट प्रेशर एक्जर्ट करेगा वॉल में उसको प्रेशर उसको हम एड ऑन करेंगे तो वो उसका क्या बनेगा उनका सक्शन प्रेशर होगा कि मतलब उतना अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट इतना अमाउंट ऑफ पानी की डिमांड है उस पर्टिकुलर सेल को ठीक है तो इन ओवरऑल में बोल सके डिमांड ऑफ वाटर ठीक है ओवरऑल में अगर हम कंसीडर करें कि वाटर का डिमांड किस सेल को ज्यादा है और किस सेल को कम है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिमांड वाटर का किसका होगा प्लास्मोलाइज सेल का होगा क्योंकि ये सेल कैसा है श्रिंक है इसमें पानी की कमी है वाटर इज वेरी लेस इन दिस पर्टिकुलर सेल इसमें पहले जितना अमाउंट ऑफ पानी पाया जाता था क्योंकि इसको जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वो पानी कहाँ मूव कर लिया टूवर्ड्स द आउटर सॉल्यूशन तो पहले जितना पानी था वो पानी कम हो चुका है इसलिए सेल क्या हो गया श्रिंक हो गया पानी का कंटेंट क्या हो गया कम हो गया तो अब उस पर्टिकुलर सेल को पानी की क्या है डिमांड हो गया ज्यादा पानी उसको पानी की रिक्वायरमेंट हो गया डिमांड हो गया तो सबसे ज्यादा सक्शन प्रेशर किसका होगा डीपीडी किसका होगा प्लास्मोलाइज सेल का होगा इसका इस पर्टिकुलर सेल का वाटर डिमांड क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर अभी सेल कंटेंट क्या है सॉरी वाटर कंटेंट क्या है बहुत ही कम है क्योंकि वो सेल श्रिंग्ड है मतलब पानी का लेवल बहुत ही कम है उसको पानी चाहिए डिमांड है, है पानी का तो इसलिए इसकी वजह से सक्शन प्रेशर किसका ज्यादा होगा प्लास्मोलाइज सेल का होगा फिर हम बात करेंगे फ्लैसिड सेल का क्योंकि जितना मोटर वाटर मॉलिक्यूल्स है पहले भी जितना था उतना ही अभी भी है तो वो ज्यादा पानी को एक्सेप्ट कर सकता है हाँ थोड़ा बहुत और भी एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है तो फिर सक्शन प्रेशर किसका होगा फ्लैसिड सेल का होगा फिर होगा पार्शली टर्जिट सेल मतलब ज्यादा फूला हुआ भी नहीं थोड़ा थोड़ा बहुत फूला हुआ है थोड़ा और पानी को वो क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है थोड़ा और पानी का डिमांड है बस थोड़ा सा ताकि वो और भी फूल जाए ठीक है और फुल्ली टर्जिड सेल मतलब अब उसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऑलरेडी इतना फुल है पानी कंटेंट ज्यादा है तो उसको कोई डिमांड नहीं है पानी का तो सक्शन प्रेशर सबसे आ, कम किसका होगा फुल्ली टर्जिड सेल का होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा प्लास्मोलाइज सेल का होगा ठीक है ना तो ये है डिमांड ऑफ वाटर प्लास्मोलाइज सेल मतलब जिसके अंदर पानी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है श्रिंक सेल है सेल श्रिंक उसका प्रोटोप्लाज्म क्या श्रिंक हो चुका है क्योंकि पानी नहीं है पानी नहीं है तो प्रोटोप्लाजम क्या अगर श्रिंक हो गया तो उसको वाटर की डिमांड क्या है ज्यादा है तो सक्शन uh, प्रेशर किसका ज्यादा होगा प्लास्मोलाइज सेल का ज्यादा होगा फिर फ्लैसिड सेल का क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में अभी भी वो ज्यादा मतलब जितना पहले था उतना ही अभी भी है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है ना तो उसके बाद फिर किसका कम होगा टर्जेट सेल का कम होगा टर्जेट सेल मतलब थोड़ा बहुत फूला हुआ है एक दो मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड फुल टर्जेट मतलब कि अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है इतना फूला हुआ है वाटर कंटेंट ज्यादा है तो इसका सक्शन प्रेशर क्या होगा बहुत ही कम होगा और इसका सक्शन प्रेशर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा तो ये था आज के पर्टिकुलर लेक्चर या टॉपिक के बारे में आई होप सो यू ऑल गेट इट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपो हाइपर एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन टर्बल प्रेशर के बारे में पढ़ा वॉल प्रेशर के बारे में पढ़ा फिर हमने सक्शन प्रेशर के बारे में पढ़ा जिसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल के डिमांड क्या है वाटर के लिए वो भी हमने कवर अप किया तो ये था आज एक पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आई होप यू ऑल गेट इट थैंक यू